अस्सलाम वालेकुम, आज एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे मैश टूल के बारे में, ब्लेंड टूल के बारे में। मैश टूल क्या होता है? मैश टूल ये होता है कि एक पानी का गिलास है, उसके अंदर एक ड्रॉप हमने कलर डाल दिया। अब वो किस तरह फैलता है, यानी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो चारों तरफ फैल रहा होता है। मैश टूल का भी बिल्कुल वही काम है, मैश कलर का भी बिल्कुल वही काम है। मैश टूल की शॉर्टकट की यू है। सबसे पहले मैं एक शेप बनाऊंगा, शेप बनाने के बाद शेप के अंदर मैं कलर दे दूंगा रेड। अब मैश टूल लूंगा, मैश टूल लेके मैं क्लिक करूंगा। जहां पे मैंने क्लिक किया, इसके साथ एक हॉरिजेंटल लाइन जा रही है और एक वर्टिकल लाइन जा रही है। अब कलर यहां से फैलना शुरू करेगा। यहां पे मैं कलर कर देता हूं वाइट, तो देखें यहाँ से कलर फैलना शुरू कर दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस कलर को मैं यहाँ रोक के रख लूँ, तो मैं यहाँ पे एक और डॉट लगाऊंगा और इसी लाइन पे एक और डॉट लगाऊंगा और बीच वाले सेलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेलेक्ट करूँगा। और अब कोई सा भी कलर मैं करूँगा तो ये यहीं तक रह जाएगा। फिर हम इससे शेप भी बदल सकते हैं, कुछ भी हम मैश टूल से शेप भी बदल सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक आम, बनाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, क्लिक किया, यहाँ एक आम बना दिया। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आम की मैं बाउंड्रीज बनाऊँ, तो मैश टूल लूँगा और बीच में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कोने पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, दूसरे कोने पे, नीचे क्लिक करूँगा और ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये बाउंड्री बन गई है। अब लासो टूल लूँगा, लासो टूल से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा और शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा। हो गया ये। अब मैं यहां लेके जाऊंगा, थोड़ा सा करना है भाई मुझे, ज्यादा नहीं। सिलेक्शन टूल ज्यादा ही हो, ये ज्यादा ही, ये वाले पॉइंट भी सिलेक्ट हो गए इसलिए ऐसा हो रहा है। चले, हमने थोड़ा सा कर दिया। अब मुझे इसको कलर देना है। मैश टूल लूंगा, मैश टूल लेके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे चाहिए वाइट कलर, वाइट कलर कर दिया। और यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो ग्रीन कर दिया। ये बन गया आपका आम। अब पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद इसका कलर कर दिया ब्राउन। इसका कलर कर दिया ब्राउन, इसको सेंड टू बैक कर दिया। ओके, अब एक सर्कल बनाया,
इसको कलर दे दिया हमने ग्रीन, डार्क ग्रीन। शिफ्ट सी पे प्रेस किया, कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट टूल। अब मैश टूल लिया, मैश टूल लेके क्लिक किया, इधर इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, बीच में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लाइट कलर ले लिया। इसको छोटा किया, छोटा करके रोटेट किया, ये यहाँ लगाया, इसको और छोटा लगा दिया, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, इसको और छोटा किया, छोटे के बाद हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये हो गया हमारा मैंगो, मैंगो, मैंगो हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे, आई होप आपको मैश टूल के बारे में समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल के बारे में। जैसे एक सर्कल बनाया मैंने, इधर एक सर्कल बनाया और यहाँ पे मैंने बनाया एक रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बनाया। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, या मैंने ग्रीन ले लिया और यहाँ पर मैंने ब्लू ले लिया। दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद W दबाया, W से ब्लेंड टूल आ जाता है। शिफ्ट किए यानी दोनों पे क्लिक करके किया, पहले रेक्टेंगुलर पे क्लिक किया, फिर ऊपर क्लिक किया, तो दोनों ब्लेंड हो गए। यहाँ पे आके डबल क्लिक किया तो ये स्मूथ कलर था। ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग आपस में ब्लेंड हो जाना, कलर ब्लेंड हो जाना, शेप ब्लेंड हो जाना, इसको ब्लेंडिंग टूल का ये काम है। स्पेसिफाइड स्टेप्स करूँगा तो यहाँ 5 स्टेप्स करूँगा, तो अब आप डिफरेंस देखेंगे। देखें यहाँ पे 5 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5, और ये दो ओरिजिनल 5 स्टेप्स हो गए। फिर है स्पेसिफाइड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के मुताबिक होंगे। स्पेसिफाइड स्टेप्स ही मुनासिब लगते हैं मुझे, तो यहाँ 2 रख लेता हूँ, सिर्फ दो हैं। देखें अगर आपको करना है, दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्टर बी प्रेस करें, कंट्रोल ऑल्टर बी, तो ये भी ब्लेंड हो जाएगा। अब लाइन की बारी, अब लाइन को करते हैं। एक लाइन बनाई, स्ट्रोक बढ़ा दिया लाइन का थोड़ा, दूसरी लाइन बनाई, कलर चेंज कर दिया, दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्टर बी प्रेस किया। इस तरह ये था ब्लेंड इफेक्ट। स्ट्रोक पे भी करके दिखा दिया और फिल पे भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बनाना चाह रहे हैं एक फ्लावर। क्या बनाना चाह रहे हैं? एक फ्लावर बनाना चाह रहे हैं। पॉलीगोन लिया, पॉलीगोन लेके हमने इसकी साइड्स बढ़ा दिए, साइड्स बढ़ा दिए। साइड्स बढ़ाने के बाद हमने ग्रेडिएंट टूल लिया, ग्रेडिएंट टूल लेने के बाद हमने ग्रेडिएंट टूल यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, यहाँ डबल क्लिक किया, डार्क ब्लू कलर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे
लाइट ब्लू कलर ले लिया और टाइप बदल के मैंने रीडियर कर दी। एक स्टेप मैंने यहाँ से निकाल लिया, इसको छोटा किया, छोटा करके इसके बीच में रख दिया, छोटा करके इसके बीच में रख दिया, दोनों को पकड़ा और कंट्रोल ऑल्टर बी कर दिया। यहाँ पे 25 स्टेप्स होने चाहिए तो मैंने 25 स्टेप्स कर दिए। 25 स्टेप्स के बाद मैं इफेक्ट में गया, इफेक्ट के बाद मैंने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गया, पकड़ बोल्ड में गया। पकड़ कहते हैं नोकीले को, बोल्ड कहते हैं मोटे को। मैंने थोड़ा ऐसा किया 29 तक, फिर वापस इफेक्ट में गया, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गया, रफनेस में गया, रफनेस बढ़ाई, ये एक फ्लावर बन गया। ये कलर वाइट होने की वजह से आपको इस पे नजर नहीं आ रहा सही तरह, मैं इस पे रख के दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा ही रफनेस हो गई है, कोई बात नहीं, कम कर देते हैं थोड़ा। रफनेस पे गए, प्रीव्यू पे चेक लगाया, या डिटेल थोड़ी कम करी। स्मूथ कर दिए कॉर्नर्स, यहाँ एब्सोल्यूट कर दिया, ओके। फिर एक लाइन बनाई, ब्लेंड टूल से हमने ये फ्लावर बनाया। अब आप घर पे बैठ के मैंगो बनाने की कोशिश करें और फ्लावर बनाने की कोशिश करें, ओके। ये आज हमने पढ़ा है मैश टूल और ब्लेंड टूल। मैश टूल से हमने मैंगो बनाए, मैंगो के अलावा आप एप्पल बना सकते हैं, ग्रेप्स बना सकते हैं, बनाना बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और ब्लेंड टूल से भी आप बहुत सारी चीज़ें ब्लेंड करके बना सकते हैं।